किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करने में ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकती है जहां पे हम खास करके Realme मी हैंडसेट के बारे में आपको बताने वाले हैं यदि आपके पास भी कोई Realme का हैंडसेट है और आपका यदि Realme मी हैंडसेट यदि अनलॉक नहीं हो पा रहा आपसे आप उसके पासवर्ड को लगाने के बाद उसके पासवर्ड को भूल चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए यदि आपने इस वीडियो को देख लिया एक बार में तो मेरी गारंटी है कि आप अपने किसी भी रियलमी के स्मार्टफोन को घर बैठे अनलॉक कर पाइएगा तो चलिए आज के इस मैथड को शुरू करते हैं जहाँ पे हम बिना कंप्यूटर और बिना किसी डेटा लॉस के आपके इस रियलमी हैंडसेट के लॉक पासवर्ड को हम यहाँ पे अनलॉक करके आपको दिखाएंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जहाँ पे हम आपको इसे किस तरह से अनलॉक करना है वो भी दो मिनट के अंदर वो सीखने वाले <laughs> तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं आप इस हैंडसेट में देख रहे मोबाइल को देख सकते हैं यहां पे ये हैंडसेट लॉक है और इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है हो सकता है आपने अपने हैंडसेट में पासवर्ड लॉक लगाया होगा किसी भी टाइप का लॉक हो लेकिन आप उसे एक ही मेथड से अनलॉक कर पाएंगे आप एक मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो आप मत कीजिएगा वो गलती है लोग यहाँ पे रैंडमली नए नए पासवर्ड को ट्राई करते हैं यदि आपने ऐसा दस बार से ज़्यादा कर दिया आपका जो स्मार्टफोन है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाएगा कि कोई और बंदा इस हैंडसेट को खोलने की कोशिश कर रहा है इस हैंडसेट में से कॉन्टैक्ट्स डेटा को वो देखना चाहता है तो इस केस में आपके डेटा को बचाने के लिए आपका हैंडसेट डेड मोड में जा सकता है तो ऐसी गलती मत कीजिएगा आप तो आखिर इसे कैसे अनलॉक कीजिएगा तो इसे अनलॉक करने के लिए आप जब इस तरह से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा आप यहाँ पे इमरजेंसी एस ओ एस को क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे डायल पैड पे क्लिक कर देंगे और आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन यहाँ पर चलाएगा अब यहीं पर आपको सारे मेजर वर्क करने हैं सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स only का जो पेज है इसी से आप अपने हैंडसेट में कुछ भी कर सकते हैं फिलहाल हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे कंप्यूटर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अभी एक नए मेथड की तरफ आपको बताएंगे जो कि चाइना से अभी जस्ट एक महीने पहले लॉन्च हुई है और उस अनलॉकिंग मेथड में हम आपको उसमें क्या क्या स्टेप लिया जाता है वो आपको दिखाने वाले हैं इसमें हमें किसी भी टाइप के पी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना लैपटॉप की तो यहाँ पर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और इस मैथड को हर वो बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है लॉक हुआ हुआ और वो उसी को अनलॉक कर पाएगा तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ यहाँ पे आप इसे इजली देख के समझ सकते हो यहाँ पे हमें एक कोड का इस्तेमाल करना होगा जो कि सीक्रेट कोड है और वो कोड आप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसे आप यहाँ पे देख लो जीरो एंड हैज और ये जो कोड है इसे कहते हैं ऑफलाइन मोड का कोड आप इसका स्क्रीन uh, ले सकते हैं इसके बाद आपको इस नंबर पर तीन बार कॉल करना है वन टू एंड थ्री इसके बाद आपको यहां से इस कोड को हटा देना है और अब आपको यहां पे इस्तेमाल करना है मास्टर अनलॉकिंग कोड जी हाँ और मास्टर अनलॉकिंग कोड आप यहां पे देख सकते हैं स्टार हैच एट नाइन नाइन और जैसे हम यहां पे लास्ट में हैच को क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पे आफ्टर सेल्स वाले पेज पे चले आए हैं अब यहीं पे आपको मेन और इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पहले देख लीजिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्जन को क्लिक करना है इसके बाद आप यहाँ पर एंड्रॉयड वर्ज़न देख सकते हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैंने यहाँ पे टेन टाइम्स कर दिया है तो यहाँ पे हम मतलब मिस्टेक से एक टाइम ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे तीन सेकंड के लिए और फिर से इसे नाइन टाइम हम क्लिक करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और इसके बाद हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद अब आपको ऊपर में दिखेगा मैनुअल टेस्ट इसे यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ पे हम अगले वाले पेज की तरफ चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस डबिंग का पेज आ गया है और ये हमारा इंजीनियर मोड का पेज है अब जैसा कि नाम है अब, अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में आप कोई भी बदलाव कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें जो अगला स्टेप लेना है वो है फिंगरप्रिंट टेस्ट को यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमें अपने हैंडसेट के किसी भी सेंसर्स के खराब होने का पता चल जाएगा जैसे कि मान लीजिए आपका फिंगरप्रिंट सेंसर खराब हो जाएगा या फिर आपका कोई और तरह का प्रॉब्लम होगा लॉक में तो वो यहां पे बता देगा तो मैं यहां पे इसे क्लिक करूंगा और यहां पे जो देख सकते हैं नंबर वन पे फिंगरप्रिंट ऑटो टेस्ट इसे क्लिक कर दूंगा और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आपको पास का मैसेज यदि दिख गया तो समझिए कि आपके हैंडसेट में सारे सेंसर्स ओके हैं यदि यहां फेल आएगा तो समझ जाइएगा आपका सेंसर खराब हो गया है तो यदि आपका पास है तो चलिए बैक करते हैं फिर से बैक करेंगे और उसके बाद हम यहां पर नीचे की तरफ जाएंगे जहां आपको दिखेगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन अब आपको इसे यहां पर ओपन करना है अब यहाँ पे आपको गौर करना है हो सकता है आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखे किसी और को यहाँ पे दो दिखे किसी और को तीन दिखे जैसा कि इस हैंडसेट में आप देख रहे हैं कोई भी दिख रहा हो चाहे जितना भी दिख रहा है आपको सबको एक बार टच करके स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन नॉट स्टार्ट लिखा हुआ है तो आपको इन्हें टच करके स्टार्ट करना ऑपरेशन को ताकि यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए और आपको यहाँ पे सिर्फ एक पास का मैसेज लाना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे टच करेंगे इस तरह से और यदि यहाँ पे आपको एक भी पास का मैसेज मिल जाए तो समझिए कि आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है यदि आपका पहली बार में यहाँ पे पास नहीं आता है तो आप इस तरह से फिर से टच करते रहेंगे जब तक कि आपको पास का मैसेज ना दिख जाए और जब आप पास का मैसेज देख लेंगे समझिए आपका आधा काम हो गया है अब यहां से बैक कर जाइएगा उसके बाद आपको थोड़ा जाना है नीचे जहां दिखेगा आपको नया ऑप्शन वो है एम सेंसर इसे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहां पे एक्स वाई जेड के जो सेंसर्स हैं वो आपस में यहां पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे आपको इन्हें पांच सेकंड तक होने देना है पांच सेकेंड के बाद आप यहां से जब लगे कि आपके पांच सेकंड से ज्यादा हो गए हैं आप यहां पर बैक आ जाइएगा बिल्कुल इस तरह से और उसके बाद आप चल जाइएगा सबसे लास्ट वाले पेज पे जो कि अदर का पेज है और अब आपको यहीं पे तीन स्टेप लेने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको यहां पे देखना है जो है मेन बोर्ड वर्जन इसमें आपको यहां पे हो सकता है आपके हैंडसेट में यहां पे डेटाबेस वर्जन दिखा रहा हो कोई बात नहीं है आपको इसे यहां पे इलेवन टाइम क्लिक करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और इसके जस्ट बाद आप देख रहे होंगे रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर आप इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको पास का मैसेज दिख जाएगा इस पास का मैसेज का मतलब है कि अभी तक आपने जितने भी स्टेप लिए हैं वो सब सही जा रहे हैं सब करेक्ट जा रहे हैं और अब आप आगे के स्टेप की तरफ जा सकते हैं तो यहाँ से आप आपको बैक आ जाना है यदि वहाँ पे आपको फेल आएगा तो समझ जाइएगा कि आपने कुछ मिस्टेक किया है वापस से आपको जितना मैंने सिखाया है उसे आपको फिर से अप्लाई करना है जब तक कि आपका वहां पे पास का मैसेज ना आ जाए अब उसके बाद आपको यहां पे दो ऑप्शन पे काम और करना है वो है सबसे पहले रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट जो यहां पे आप नंबर सेकंड पे ऑप्शन देख रहे हैं इसे आपको क्लिक करना है लेकिन एक बार नहीं आपको इसे चार बार क्लिक करना है जब आप पहली बार क्लिक करोगे इस तरह से तो आपको यहां पर कन्फर्म करने का कैंसिल और ओके okay में आपको ऑप्शन देगा लेकिन आप इसे पहली बार में कैंसिल कर देना ठीक है सेकंड टाइम भी आपको सेम प्रोसेस करना और सेकंड टाइम भी कैंसिल करना है थर्ड टाइम भी आपको सेम करना और यहाँ पे कैंसिल करना है लेकिन चौथी बार में जब आप इसे ओपन करोगे इस बार आपको इसे ओके okay करना और जैसे ही आप यहाँ ओके के okay ओके पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड का जो मैसेज है वो मिल जाएगा इसका मतलब कि आपका बैकग्राउंड में आपका पासवर्ड जो है वो रिसेटिंग मोड पे चला गया है बस लास्ट स्टेप लेंगे और आपका हैंडसेट भी अनलॉक हो जाएगा और लास्ट का स्टेप है नंबर तीन पे, पे दिए गए की स्टेटस को क्लिक करना और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं की के वो सारे यहाँ पे पास 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 आ चुके हैं मतलब आपका पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक यहाँ पे अनलॉक हो चुका है और जो भी यहाँ पे नॉट सपोर्टेड है मतलब वो लॉक इसमें अवेलेबल नहीं है जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका हैंडसेट यहाँ पे अनलॉक हो चुका है बस यहाँ पे हम लास्ट स्टेप लेंगे कि इसे क्रॉस चेक करेंगे कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं उसके लिए हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ होम बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे होम बटन को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका यह हैंडसेट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है विदाउट एनी कंप्यूटर और बिना किसी डेटा लॉस के मान के चलते हैं कि आपका हैंडसेट यदि अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज्वाइन करिएगा जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल चला जाएगा और उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ दो से पांच मिनट में अनलॉक करके दे देगी तो आप एक बार ज्वाइंट ऑप्शन को ट्राई करके अपने हैंडसेट को अनलॉक करने की कोशिश जरूर कीजिएगा